परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट हैं राख सके नहीं कोए। गुरु की सीढ़ी मतलब गुरु ज्ञान कल्याण पथ पर जो चढ़ रहा है और अब आगे चढ़ना छोड़ करके उतर पड़ा, कल्याण की ओर ना जा करके अब वो संसार की ओर जाने लग गया, विषयों की ओर जाने लग गया। साहब कहते हैं शब्द विमुखा होए, वो निर्णय के शब्दों से और आत्मकल्याण की साधना से फिर दूर हो जाएगा और फिर उसकी दशा क्या होगी, ताको काल घसीट हैं, काल वासनाएं, मलिनताएं, गंदी आदतें उसको फिर परेशान करेंगी और फिर कोई उसे बचा नहीं सकता है। कितना मार्मिक वचन है यह, सदगुरु कबीर साहब कितना वैज्ञानिकता से सोच लेते हैं किसी विषय को, यहाँ पर एक कल्याणार्थी की बात कहते हैं। कोई भी वो अपने उद्देश्य में निरंतर आगे ना बढ़े, निरंतर श्रमशील ना रहे और धीरे धीरे ही सही आगे की ओर गति ना अपने अंदर भरे तो लौट पड़ेगा। ये मन का ऐसा स्वभाव ही है, ये रुकता नहीं है एक जगह, इसको निरंतर आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आगे की तरफ बढ़ने का काम नहीं करेगा तो निश्चित है फिर वो लौट पड़ेगा। तो हमें गुरु भक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान की ओर, जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं गुरु सीढ़ी ते उतरे, मकान में छत पर पहुँचने के लिए, ऊपरी मंजिल पर पहुँचने के लिए सीढ़ी का रास्ता अपनाया जाता है, सीढ़ी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सीढ़ी पर एक व्यक्ति चढ़ रहा था ऊपर पहुँचने के लिए अपने कक्ष में, लेकिन चढ़ते चढ़ते जब काफ़ी पहुँच गया बीच से ही लौट पड़ा, तो क्या उसको अपनी मंजिल मिलेगी, अपना विश्राम स्थल मिलेगा? उसके तो ज़रूरत थी कि चढ़ता जाए और वहाँ पहुँच करके विश्राम मिलेगा, लेकिन वो लौट पड़ा। ऐसे ही साधकों की बात है, व्यवहारिक जगत में भी यही बात है। कोई व्यापार करना चाहा और व्यापार में लगा, कुछ दिन मेहनत किया, थोड़ा सा लाभ भी हुआ, लेकिन अपेक्षित लाभ उसको नहीं मिला तो छोड़ पड़ा, पीछे से लौट पड़ा। आगे अब मेहनत करना, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, तो जो संभावनाएं थी लाभ की, उन्नति की, वो सारी संभावनाएं रुक गई वहीं पर, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। किसी एक निर्णय को चुनने के बाद उसमें सतत परिश्रम की जरूरत है, बिना परिश्रम के यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो और चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। व्यवहारिक क्षेत्र में तो असफलताएं भी हो सकती हैं, कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, लगन से करता है और लंबे समय तक करता है, लेकिन सफलता नहीं भी मिलती है, क्योंकि बाहर की उन्नतियां श्रम साध्य होते हुए लोगों के सहयोग पर भी होती हैं, प्रकृति के भी अधीन होती हैं। लोग सहयोग ना किए, हमने तो खूब मेहनत किया लेकिन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया, तो फिर व्यापार में, दुकान में या और किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं भी हो सकती है। प्रकृति ने साथ नहीं दिया, लोगों का सहयोग भी रहा, हमने खूब मेहनत भी किया और चीज़ें भी खूब इकट्ठी किए, लेकिन बाढ़ आ गई, पानी बहुत बरस गया, भूकंप आ गया या पानी बरसा ही नहीं, सब चौपट हो गया।
तो बाहर की उन्नतियाँ व्यवहारिक क्षेत्र की कई बार हो सकता है बहुत मेहनत करने के बाद भी हम ना कर सकें, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में कल्याण के क्षेत्र में अपने मन की व्यथा को मिटाने की तरफ यहाँ ऐसा नहीं होता है। सारी उन्नति हमारी मेहनत से होगा, और अगर हमने मेहनत नहीं किया है तो फिर कोई अन्य सहयोग हमें सुखी नहीं बना सकता है। अभी देखो, पूज्य साहिब जी के द्वारा श्रवण किया गया कि मनुष्य लाभ जान करके सब तरफ मेहनत करता है, लाभ जान सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि मनुष्य लाभ जान करके सब तरफ काम करता है, तो क्षमा में भी लाभ समझना चाहिए, भक्ति में लाभ समझना चाहिए, मन इंद्रियों के संयम में लाभ समझना चाहिए, त्याग अनाशक्ति में निर्मोहता में लाभ समझना चाहिए। हम लाभ समझ ही नहीं पाते हैं, बड़ा छिछला लाभ हमारे मन में रहता है, यही कि रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पत्नी मिल जाए, इंद्रियों के भोग मिल जाए, यही बड़ा लाभ इसको लगता है। और यह लाभ कितना हल्का है, कितना सतही स्तर का है, ये आजकल में छीण हो जाएंगे। लाभ मिल भी जाएगा तो छीण हो जाएगा, रुपए मिल जाएंगे तो रुपए खत्म हो जाएंगे या दूसरे लोग छीन लेंगे, दुख शुरू हो जाएगा। पत्नी या पति मिल जाएगा तो वो विमुख हो जाएंगे, उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य हमारे अनुकूल नहीं होगा, तो जो सुख की आशा थी सब पर पानी फिर जाएगा और दुख लगने लग जाएगा। पुत्र मिल जाए, बड़ा आशा थी, लाभ लग रहा था कि अब मैं पिता बन गया, माँ बन गई और बहुत कुछ मुझे मिल गया, अब मेरा नाम रोशन होगा, नाम चलेगा, मेरी सेवा करेगा, ये सब क्षणिक लाभ हैं। पुत्र का स्वभाव विमुख हो गया, उसका स्वास्थ्य अनुकूल ना रहा, नहीं रह गया तो फिर दुख शुरू हो जाएगा। सारा लाभ संसार में, चाहे वो भौतिक हो, चीज़ों का हो, रुपए का हो, धन घर का हो, पैसे का हो, सब अपने सुख के लिए हम कमाते हैं, तो हम भक्ति में भी लाभ समझें, गुरु ज्ञान और गुरु पथ में चलने में लाभ समझें, और इसमें हमारा असली लाभ होगा। आखिर भौतिक लाभों को भी हम अपने लिए चाहते थे, जिसको ये पता चल जाए कि इस व्यापार के करने में जो पैसा मिलेगा उस पैसा को हमारे पार्टनर लोग छीन लेंगे या हड़प लेंगे, हमें नहीं देंगे, तो उस व्यापार को छोड़ देगा व्यक्ति। जिस शादी के बाद जिस पत्नी को पाने में हमें लाभ लग रहा था, अब पता चल जाए कि पत्नी का मन तो कहीं और लगा है, ये मेरे धन के लिए केवल मेरे से जुड़ रही है, वो उस पत्नी इस पर जान छिड़क रहा था और अब उसको सदा के लिए छोड़ देगा। इसी प्रकार ये पता चल जाए कि जिस पुत्र को मैं पाने के लिए इतना लालायित था, इतना मुझे आनंद आ रहा है, और ये पता चल जाए कि ये बड़ा हो करके मेरी पिटाई करेगा या मेरे घर धन सब को बर्बाद कर देगा, उस पुत्र के प्रति उसके मन में उदासीनता आ जाएगी। तो ये संसार बड़ा धोखे से है, इसलिए सद्गुरु का जो ये वचन है, सब के लिए आगे बढ़ने की इसमें संभावनाएं हैं। नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, बालक और वृद्ध हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, कोई भी हो, सब को गुरु भक्ति की जरूरत है। आत्म कल्याण की दिशा में संयम, साधना, अनाशक्ति, वैराग्य पथ पर चलने की जरूरत है। सबको किसानी करने की जरूरत नहीं है, अन्य स्रोतों से उसका जीवन चल जाएगा। सबको डॉक्टरी और मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, वकालत और इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, राजनीति सबको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु भक्ति के पथ पर चल करके अपने जीवन में त्याग, संयम और अनाशक्ति की सबको जरूरत है। क्योंकि सभी सुख चाहते हैं, सभी अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हैं, सबकी एक मांग है, और बड़ी एकता है संसार में एक मूल उद्देश्य को लेकर के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि मुझे दुख मिले,
मैं भयभीत रहूं, मैं तनाव और अशांति में जीवन को जीऊं, तो इन सारी समस्याओं का एक ही बात में तो समाधान है कि मन इंद्रियों को स्वस्थ करके गुरु के भक्ति और उनके सत्संग से जुड़ करके हम अपने आप को पहचानें। हमारा जो अपना स्वरूप है, मेरी जो आत्म स्थिति है, वो संसार की समस्त उपलब्धियों से बिल्कुल अलग है और वो ऑलरेडी प्राप्त है। केवल उसको पहचानना है, उसको समझना है, उसके मूल्य को, उसके महत्व को हमें आंकना है। और जिस दिन ये पता चल जाएगा, फिर उसी दिन से उसके लिए सारा बाहर का सुख, बाहर उन्नति और बाहर के सारे लाभ फीके लगने लग जाएंगे। आखिर इसके उदाहरण हैं। महाराज श्री राम ने अपने घर परिवार, राजपाट, माता पिता सबको छोड़ करके जंगल को चले गए। किस लिए चले गए? उनको यही था कि मुझे लाभ मिलेगा, और वो लाभ यह मिलेगा कि ऋषियों, संतों, गुरुजनों के दर्शन होंगे और मेरा मन पवित्र होगा, मेरा लोक परलोक उज्जवल हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा में मैं चल करके अपने जीवन को सुखमय बनाऊंगा। तो ये लाभ लगा तो सारी कठिनाइयों का रास्ता चुन करके वे जंगल चले गए। महात्मा बुद्ध को सब कुछ तो मिला था, उनके माता पिता थे, पूरा राज प्रासाद था, पत्नी थी, पुत्र था, सुंदर जवानी थी, सारा ऐश्वर्य था, सब लोग चाहते थे कि आप हमारे महाराजा बने, लेकिन इस साहब की तरफ से अपने मन को वे हटा लिए। इधर दुख लगा उन्हें, और जंगल में जा करके ऋषि मुनियों के आश्रमों में रह करके वे ध्यान साधना किए और अपने उद्देश्य को प्राप्त किए। उनका उद्देश्य था कि मेरे मन की सारी व्यथा मिट जाए, मैं पूर्ण शांति और आत्म सुख को प्राप्त करूं। इसी प्रकार चाहे महावीर जी हों, सद्गुरु कबीर साहब हों, सुकरात हों, कन्फ्यूशियस हों, लाओत्ज़े हों, विवेकानंद, दयानंद, सद्गुरु अभिलाष साहेब, सद्गुरु विशाल साहेब, सब की बात है। इनके पास संसार में भोगने के लिए, पाने के लिए बहुत सुख की सुविधाएं थी, लेकिन उन सबको छोड़ करके वे चले गए एक महान सुख को पाने के लिए। और उसी सुख के लिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि जो निर्णय की वाणी और कल्याण के पथ को छोड़ करके विमुख हुआ गुरु ज्ञान से, तो उसको काल घसीट है। काल है यहाँ पर वासनाएं, गंदी आदतें, इंद्रियों की चंचलता, मन की मलिनता। जो सही दिशा में अपने जीवन को नहीं लगाएगा, उसके मन में कुटेव उठेंगे, इंद्रियां चंचल होंगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की तरफ वे भागेंगी, और जिसका परिणाम यह होगा कि वो संसार में बिखर जाएगा। और प्राणी पदार्थों को पाने के लिए जो असंयत कर्तव्य करेगा, तो प्राणी पदार्थ तो मिलेंगे नहीं, और इधर असंयत कर्तव्य और चंचल मन इंद्रियों का परिणाम ये आएगा कि पूरी तरह से वो दुर्गति, दोष, दुर्गुण को प्राप्त होगा। और यही है काल का घसीटना। जो सही दिशा में नहीं चलेगा तो गलत दिशा अपने आप आ जाएगी। देखिए, कोई रोटी नहीं खाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो चावल ही खाता हो, फल खाता होगा, हो सकता है दूध से काम चलाता होगा, हो सकता है। बाहर की चीज़ों में ये आप समाधान नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं करता होगा तो ये करता होगा। कोई पढ़ाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी करता है, हो सकता है किसानी करता होगा। कोई इनसे प्रेम नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं है कि इनसे प्रेम करता होगा। लेकिन अपने जीवन में, मन में ये निश्चित हो जाता है, कोई सत्य के पथ पर नहीं चलता है तो ये निश्चित है कि वो असत्य के रास्ते पर चल रहा है। कोई संयम के रास्ते पर नहीं चलता है तो ये निश्चित है कि वो असंयम के रास्ते पर चल रहा होगा। कोई मन इंद्रियों को स्वस्थ नहीं करेगा तो निश्चित है कि वो मन इंद्रियों को चंचल करके खूब दुख पाएगा। यहाँ पर अपने उद्देश्य को निश्चित करना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड है, निश्चित है कि जो सही रास्ते को छोड़ देगा,
गुरु भक्ति, गुरु सीढ़ी, गुरु मार्ग को छोड़ देगा तो निश्चित है कि वह संसार के मार्ग में भटकेगा, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। ताको काल घसीट हैं, फिर वासनाएं, गंदी आदतें, संसार के लोग भी उसे परेशान करेंगे। उसे अरे कल्याण की बात तो छोड़ो, व्यवहारिक जीवन जीना भी बड़ा दुस्तर हो जाता है जो गुरु मार्ग से हटा और त्याग संयम और गुरु भक्ति के रास्ते को छोड़ करके संसार के रास्ते को अपनाएगा, तो उसके जीवन में चोरी, हिंसा, व्यभिचार, कटुता, राग, द्वेष, मोह, बैर, ये सारे दोष आ जाएंगे। अब तो उसके अपने भी उसको ठुकराएंगे और उसके जीवन निर्वाह में भी दिक्कतें आएंगी, सरकार के द्वारा भी वो प्रताड़ित होगा और रात दिन अंदर से मन से तो वो जलता ही रहेगा। बताइए कौन लाभ हुआ? जो गुरु मार्ग को छोड़ेगा, जो कल्याण के पथ से दूर होगा, उसका कौन सा लाभ है संसार में? जो इतने बड़े महालाभ को वो छोड़ करके संसार की तरफ आया, वो शरीर से भी स्वस्थ नहीं रहेगा। जो शराब पिएगा, अंडा मांस खाएगा और चोरी, हिंसा, दुराचार, व्यभिचार करेगा, तो वो शरीर से भी स्वस्थ नहीं रहेगा, धन से भी वो गरीब हो जाएगा। आखिर लोग यही तो चाहते हैं कि मैं धनवान बन जाऊं, मैं शरीर से स्वस्थ रहूं और मेरा सम्मान हो सब तरफ, और फिर अंतिम में मन भी मेरा प्रसन्न रहे, खुश रहूं। तो ये सारा लाभ तो है गुरु ज्ञान में, गुरु पथ में चलने पर, और ये सारे की सारी उन्नतियां, सारा लाभ मिलता है, धन भी मिलता है। सोचो जो गुरु मार्ग को त्याग देगा तो क्या होगा? वो बीड़ी भी पिएगा, तंबाकू भी खाएगा और गांजा भांग, शराब, सिगरेट, जुआ आदि सब कुछ खेलेगा, सारा कुकर्म करेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? धन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे वो सारा का सारा धन उसका बर्बाद हो जाएगा और मन से तो पीड़ित रहेगा ही। तो धन चाहते हैं तो हम ये काम को, इन कर्तव्यों को, इन स्वभावों को, ऐसी संगति को अपनाएं, तो अपने आप हमारे जीवन में जब कोई दुर्व्यसन नहीं रहेगा, दुर्व्यसनों में लग करके जो हमने अपने धन को नष्ट किया वो सारा का सारा धन बच जाएगा, और दुर्व्यसन करके, दोष दुर्गुण अपना करके जो हमने समय बर्बाद किया, शराबी, एक शराबी शराब पी करके क्या तुरंत फिर वो अपने काम में लग जाता है? अरे शराब पिया, पहली बात तो शराब खरीदा, वो पैसा नष्ट हुआ, और शराब पीते समय नष्ट हुआ, और पीने के पश्चात उसके नशे से जो धुत होकर के जगह जगह नाली में या कहीं भी पड़ा रहा, बड़बड़ाता रहा, उस इतना लंबा समय बर्बाद हुआ, और फिर स्वास्थ्य उसका कितना दूषित हुआ, शरीर से क्षतिग्रस्त हुआ, और लोग भी उसको क्या क्या नहीं कहते, जिसको चलने की भी तमीज नहीं है, बोलने की भी अकल नहीं है, और कपड़ा पहनने की भी, चड्डी पहनने की भी अकल नहीं है, वह भी गाली दे करके चल देता है। एक जगह हम लोग थे मध्य प्रदेश में, एक स्टेशन पर टिकट खरीदने के लिए पहुँचे, बड़ी भीड़ थी, टिकट काउंटर पर पहुँचे, वहीं देखते हैं कि एक करीब 30-35 साल का व्यक्ति पड़ा हुआ है और गंदे कपड़े हैं, मक्खियाँ भिनक रही है और फटा पुराना उसका चिथड़ा, ज़्यादा कपड़ा चिथड़ा तो नहीं था, थोड़ा व्यवस्थित ही था लेकिन कपड़े काफ़ी गंदे थे और मुख में झाग जैसे निकल रहा था, असर आप पी के नशे में कुछ कुछ बीच बीच में बड़बड़ा रहा था। देख करके घृणा हुई, दया भी आई कि देखो यह भी एक इंसान है और अपनी बनाई हुई कुछ गंदी आदतों के कारण आज यहाँ पर पड़ा है। इतने लोग होते हुए भी कोई सहयोग नहीं कर सकता, कोई उसको स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न नहीं बना सकता, कोई उसको चार पैसा भी नहीं दे सकता है। ये किसने उसको इस हालत में लाया? उसकी खुद आदत ने। तो कोई भी गुरु सीढ़ी से उतरेगा तो फिर उसको नीचे जाना ही है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किए हैं तो चढ़ते रहें। कब तक चढ़ते रहें? जब तक मंजिल मिल ना जाए। ये ना सोचें कि इतनी परेशानी है, इतनी मेहनत है, कोई व्यक्ति चल रहा है, चलने में शौक होना अच्छी बात है, कल्याण, शांति, सुख
की तरफ आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खुराक तो चाहिए। कोई व्यक्ति घर को जा रहा था, गाड़ी तेज थी, समय भी कम था, तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से चलूं और पहुंच जाऊं, लेकिन देखता है मीटर तो तेल ख़त्म होने वाला है। तो साथी ने कहा कि भाई रुको, यहाँ तेल भरवा लेते हैं। उसने कहा नहीं नहीं समय मेरे पास नहीं है और जल्दी पहुंचना है घर। तो तेल भराए बिना क्या वो घर पहुंच जाएगा? तेल तो भरवाना पड़ेगा, भरवाने के लिए तेल तो रुकना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पर तो जाना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार कुछ लोग तो होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मुझे गुरु ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु संत सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ कल्याण चाहिए मुझे, मंजिल चाहिए मुझे, शांति सुख आनंद और परमानंद चाहिए मुझे, लेकिन वो तेल भराना ही नहीं चाहता है। मतलब सत्संग में जा कर के, गुरु दरबार में जा कर के, संयम साधना के उस जगह में जा कर के वो पावर चार्जिंग कराना ही नहीं चाहता है, तो क्या वो पहुँच जाएगा मंजिल को? बीचे में गाड़ी रुकेगी और न घर का रहेगा न घाट का। कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हम बस वही मन इंद्रियों के कुत्ते बन करके रह जाएंगे। केवल सुख मंजिल कल्याण हमारी कल्पना ही रह जाएगी, साकार नहीं हो पाएगी। तो सद्गुरु कबीर साहब जी का ये जो वचन है बहुत मार्मिक है कि गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोए। साधक कल्याण के मार्ग में चला, अब वो दो रास्ते हैं, कोई भक्ति पथ में चला, सत्संग से जुड़ा, संतों से जुड़ा और ये मन में निश्चय किया कि मुझे भक्ति दीक्षा लेकर के अपने जीवन को कल्याण की तरफ आगे बढ़ाना है। और कुछ लोग होते हैं जो गृह त्याग करके, पूरी तरह से माया मोह का त्याग कर गुरु की शरण में जा करके, अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करके, पूरा कल्याण का, मुक्ति का, वो मुझे सुख चाहिए ऐसा निश्चय करके चल पड़े, गुरु भक्ति में लग गए या वैराग्य में लग गए। अब लगे चले, थोड़ी सी कठिनाइयाँ आई, प्रतिकूलताएँ आई, कुछ हानि हुई या किसी ने कुछ कह दिया, शरीर ने भी साथ थोड़ा ना दिया, ये तो सबको होता ही है, शरीर में भी कुछ हानि हो सकती है और कुछ तकलीफ आ सकती है, अब घबरा गए। अथवा कोई प्रलोभन आया, किसी ने कह दिया कि अरे तुम गुरु भक्ति में लगे हो, वहाँ बाबा जो आए हुए हैं वहाँ चले जाओ, उनके दर्शन कर लो, एक लोटा पानी, पांच बेल का पत्ता, एक किलो बतासा और दो अगरबत्ती चढ़ा दोगे, सब मिल जाएगा, यहाँ इनके पास लग करके इतना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ये कब तक लगे रहोगे और छोड़ बैठे गुरु ज्ञान को, गुरु भक्ति को? तो न बाबा काम आएंगे, न अगरबत्ती और न बतासा काम आएगा, और मन इंद्रियां उनकी चंचल होगी, अंधविश्वास भ्रम के रास्ते में पड़ेंगे और सारा उनके जीवन में दुख आ जाएगा। ये पंडे पुजारी ओझा सोखा बैगा सब नोचेंगे उनको, और शरीर भी बीमार होगा और कोई दुख भी नहीं दूर होगा, सारी दुर्गति होगी। इसी प्रकार साधु के जीवन में जो साधना मार्ग में लगा और संतों की शरण में, गुरु की शरण में गया और थोड़ा सा जीवन सुधार हुआ उसका, अब उसके जीवन में कुछ प्रलोभन आ गए कि नहीं पैसा नहीं मिलता है और संत लोग भी डांटते हैं, अब मैं पता नहीं वैराग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और ये एक कठिनाई है, चलो घूमें भ्रमण करते हैं, अथवा घर लौट चलते हैं, वहाँ तो सब सेवा करते हैं, वहाँ परिवार है, भाई बंधु है, माता पिता है या पत्नी भी है, और वहाँ सब हमें प्रेम देते हैं और सुविधाएँ देते हैं, और यहाँ गुरु संतों की सहना है, और ये ना खाओ वो ना खाओ, ऐसे ना रहो वैसे ना रहो, रात दिन सब हमें सुनाते रहते हैं, चल पड़ा। और चल पड़ा तो क्या हुआ, घर पहुँचा, सबसे पहले तो अपना मन ही बुझ गया, पूरी तरह से मन हमारा बुझ गया, वो आत्मसम्मान नहीं रहेगा, मन की प्रसन्नता नहीं रह गई और सब ताने मार रहे हैं। जो पत्नी बड़ा सम्मान करती थी हमें, स्वामी मान करके, और हम चले गए थे तो वो तो संत और गुरु भी मानने लगी थी, बड़ा आदर सम्मान, और लौट पड़े तो भगेड़ू कहने लगी, वही अब ताना मारने लगी है और बात बात में कुछ कुछ व्यंग बोल देती है। बच्चे भी जो पिताजी कहते थे सेवा करते थे और वो
अब वो आदर नहीं रहेगा, वैसे ही आदर नहीं रह जाता है बुढ़ापा में, कोई घर में रहे तो बच्चों से बहुओं से। और कोई साधु जीवन से लौट करके और फिर घर में जाए तब तो भी बड़ी आरती उतारेंगे घर के लोग। और जो परिवार के लोग, समाज के लोग, मोहल्ले के लोग हमें साधु बाबा कहते थे, घर में रहे थे, तो थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा त्याग भक्ति भजन देख करके हमें साधु भी कहने लगे थे। अब साधु जीवन में आ गए, अब यहाँ से लौट के जाएंगे तब क्या कहेंगे? तब यही कहेंगे ये तो भगेड़ू हैं, ये तो कायर हैं, इनको तो थोड़ा सा कठिनाई नहीं सह पाए और गुरु संतों को छोड़ करके ये चले आए, इनको तो घर पसंद है, संसार का सुख पसंद है, हम झूठे इनको माने थे कि ये साधु संन्यासी हैं। कुल मिला करके ना हमारा मन साथ देगा, ना इंद्रियां साथ देंगी, ना संसार साथ देगा, और सब प्रकार से हम अपने अंदर में खोखले अपने को पाएंगे। यही तो काल का घसीटना है। और चार दिन में शरीर छूट जाएगा, ना खुदा ही मिले ना विशाले सनम। मैत्री जी महाराज ने कहा है कि मैं अगर कल्याण के पथ में ना लगा तो मेरी दशा क्या होगी? जैसे कोई व्यक्ति हो और वो पैदा हो गया, तो पैदा होने पर क्या पाया? अगर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया तो माँ की जवानी रूपी जंगल को जलाने में वे एक आग का काम किया, कल्याण का काम किया नहीं, और पैदा हो गया। और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उन माताओं की, उनकी जवानी, उनकी सुंदरता, उनका तेज, उनका ओज, सब कुछ तो नष्ट होता है ना। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि मैंने कल्याण का काम नहीं किया और माँ की जवानी रूपी जंगल को काटने और जलाने में कुल्हाड़े और आग का काम किया, कितना बड़ा पाप किया ना। और कल्याण का काम उधर ना किया और इधर भोग भी नहीं भोग सका, क्योंकि जो भोग चाहता है, जितना भोगना चाहता है, जैसा चाहता है, जब तक चाहता है, जिससे चाहता है, क्या कभी उसका मन पूरा होता है? कभी नहीं पूरा होता है। चाहे जितना किसी को सुविधाएं मिल जाए, धन रुपया पैसा इंद्रियों के भोग मिल जाए, कभी भी मन भोगों से तृप्त हो ही नहीं सकता है, तो उधर भी नहीं कुछ प्राप्त कर सका। तो अंतिम में एक ही उपाय है, अगर कोई पूर्ण सुख चाहता है तो मन इंद्रियों को स्वस्थ करके, गुरु मार्ग में लग करके और संयम अपना करके स्वरूप का बोध प्राप्त करे। आत्म सुख संसार के सुखों की पूर्णता है। संसार के सुख तो कभी मिल ही नहीं सकते, लेकिन इस संसार में आ करके अगर कोई पूर्ण सुख चाहता है तो उस पूर्ण जो संत हैं, पूर्णत्व को प्राप्त आत्म स्थितिवान बोधवान उन गुरु संतों के सानिध्य में जा करके, उनसे वो राय लेकर के, मन इंद्रियों को स्वस्थ करके और अपने स्वरूप में ठहर करके हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सत्संग, ध्यान, साधना और सद्गुरु की संगति से संभव है। तो सद्गुरु कबीर का जो ये वचन है कि गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट है, राख सके नहीं कोए, बहुत मार्मिक है। साधकों, भक्तों, सज्जनों और कल्याणार्थी मुमुक्षु सभी नर नारियों के लिए मनन चिंतन करके जीवन में उतारने के लिए है। और हम सब लोग इसका मनन करके आत्मकल्याण की तरफ आगे बढ़ें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।